वन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। कुछ पार्ट मैंने करवा दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर वन जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, यानी एनसीईआरटी में जितना था हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एलिमेंट की बुक में हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मुलोज पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो बेसिक्स थे, वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के डाली हुई है, ठीक है। तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता, प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जाने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस थोड़ा समझ में नहीं आते हैं ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, तो क्या है कि अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि वो फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको पढ़ने हैं थर्ड चैप्टर जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इस चैप्टर के बाद, तो वो सारी चीज़ें हम वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर वापस से आप अगर इसको देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं वही इंपॉर्टेंट वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। कुछ और भी फॉर्मूलेज होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज के, जो बेसिक्स मैंने करवाया वैल्यूज पुट करना, ठीक है, उनके अलावा भी आपको फॉर्मूले लगा के उनको और आसान बना सकते हो। लेकिन वैसे हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ लोगे, तो फिर से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये वापस से उन फॉर्मूलों के बेस पे कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंटली हम कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड सीखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। मेरे पास तीन पार्ट है और मुझे क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहली चीज, हम सब जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है मेरी भी आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, ये मेरी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्म में लेके आना है इनको, तीन क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट तो 60 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे आइटा के साथ क्या चाहिए होता है, साइन थीटा, और जो पहले है विदाउट आइटा जो रियल पार्ट चाहिए होता है, वो किसकी फॉर्म में चाहिए होता है, कॉस थीटा की फॉर्म में चाहिए होता है। बट यहां पे क्या है, मेरा उल्टा सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आए थे, ठीक है। जैसे पोलर फॉर्म वाला देख लिया हो आपने कि किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन है, यानी मेरे पास अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन है, उसको मैं इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं, उसका हमने एक पूरा किया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन किए थे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या क्या चीजें होती, सब कुछ हमने ब्रीफली किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो मेथड है कि मैं जो ये क्वेश्चन मुझे गिवन है उसको इस फॉर्म में ले आऊं, ठीक है, और यहां से मैं कहां पहुंच जाऊं, यहां पहुंच जाऊं, जैसे हम पहले से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन मुझे करना है, तो मुझे पता है साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है भाई रूट 3/2 प्लस आइटा एज इट इज, और कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से भी बताऊंगा और ऐसे भी, दोनों मेथड से बता देता हूं आपको ये। सिंपल है भाई, साइन 60 होता है रूट 3/2 प्लस आइटा कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। अब हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था कि ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं क्या करता था, इसको क्या करता था, लेट कर लेता कि लेट रूट 3/2 प्लस आइटा 1/2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल मानते थे हम, जो पोलर फॉर्म है, यानी दिस इज आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, इसके इक्वल हम ले लेते थे। अब यहां से मुझे मिलता है कि आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से भी कराऊंगा, देखना इस मेथड से कितना लेंथी हो रहा है और जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले हम इसी से कर लेते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते थे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, रियल को रियल के इक्वल रख दिया और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या करते हैं, स्क्वायर और ऐड करते थे। आप लाइन लिख देना, मैं लिख नहीं रहा, इसको स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करो और ऐड करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, मतलब हर एक स्टेप नहीं लिख रहे, वो आपको जैसे मैंने मेथड प्रॉपरली जैसे करवाया था इनिशियली आपको वैसे ही करना है पूरा, ठीक है। हो गया, ये होने के बाद हम यहां से क्या लेंगे, आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, आर स्क्वायर बाहर निकालोगे तो पूरा बाहर आ गया, ये मेरा क्या हो जाता था, ये हो जाता था मेरा 1, यहां बचेगा मेरे पास आर स्क्वायर। इनको जब आप ऐड करोगे, ये हमने सीखा हुआ है डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड करो, 3 + 1 = 4, 4/4 दिस बिकम 1, यानी आर स्क्वायर इज
वन, इट मीन्स आर की वैल्यू भी क्या होगी वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन इज वन, सिंपल है। आर की वैल्यू वन है वो यहां पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा भाई वन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, ठीक है। और आर साइन थीटा, आर वन है फिर से तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, कहां लाई कर रहे हैं, सॉरी दिस इज रूट थ्री बाय टू नॉट रूट टू बाय टू, ठीक है रूट थ्री बाय टू। तब मुझे पता है कि अगर मैं नंबर को ऑब्जर्व करूं तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस कहां लाई करता था, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऐसा एंगल पता करो जिसकी वैल्यू क्या हो कॉस थीटा जब मैं लगाऊं उस एंगल का, ठीक है, तो क्या हो रूट थ्री बाय टू हो और साइन ऑफ दैट एंगल इज वन बाय टू, ठीक है। कहां होता है मुझे सिंपल सा पता है कि वन थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री, थीटा 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1 बाय 2, कॉस 30 क्या होता है रूट 3 बाय 2, इट मींस योर एंगल इज 30 डिग्री। और अगर पाई की फॉर्म में लिखूंगा तो इनटू पाई बाय 180 कर दो, इट मींस दिस इज पाई बाय 6। पावर फॉर्म क्या होगी, जस्ट आर और आर की वैल्यू क्या है 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 6 प्लस आईटा आर फिर से 1 साइन पाई बाय 6, दैट्स योर आंसर, सिंपल से, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये मेथड आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं पता मुझे क्या होता है, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है तो सिंपल सा तरीका क्या है, आप जस्ट उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। एंगल्स की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, इस एंगल से क्या कर सकते हो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हो, और कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करना हमें आता है, ठीक है, वो आसान मेथड है, ठीक है। तो ये आपको पोलर फॉर्म का एक क्वेश्चन आना चाहिए, 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब मैं करवाता हूं इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड, ठीक है, कैसे देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम आसान से मेथड से करेंगे, देखो कैसे। मैंने आपको सिखाया था कि साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाता है कॉस थीटा, 90 क्या बोलता है, इसके आगे सीओ नहीं है, मैंने सीओ लगा दिया, तो कोसाइन क्या होता है कॉस और एंगल थीटा एज इट इज, एज इट इज अगर मैं बोलता हूं कि कॉस 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है भाई, 90 बोलते हैं सीओ, अगर है तो हटा दो, नहीं है या नहीं था मैंने लगा दिया, था तो हटा दिया, तो कोसाइन का को हटा दिया, क्या बचा साइन थीटा, दैट्स इट, यही करना था हमें, ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब देखो यहां पे सेम कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूं, यहां पे साइन 60 को क्या मैं इस 60 को लिख लेते हैं, इस साइन को एज इट इज रखता हूं मैं, इसको मैं 90 माइनस 30 लिख सकता हूं, यस सुनो 60 डिग्री का मतलब क्या है, 90 माइनस 30 60 तो होता है, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया यहां पे, प्लस आयोटा एज इट इज, इस कॉस को एज इट इज रखता हूं मैं, क्या इसको 90 माइनस 30 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, 60 को मैंने 90 माइनस 30 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मेरा होता है कॉस थीटा, तो दिस बिकम कॉस और थीटा मतलब 30 डिग्री प्लस आयोटा, दिस इज कॉस किसमें चेंज होगा साइन में, तो साइन एंगल थीटा इज 30 डिग्री। और मैंने अभी भी सीखा था कि 30 को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगल किसमें बन जाएगा रेडियन में, आपके जनरली आंसर किसमें मिलेंगे रेडियन में, तो दिस इज पाई बाय 6, यानी 30 डिग्री को मैं पाई बाय 6 भी लिख सकता हूं, तो यहां लिख दो दिस इज कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप ये तीन लाइन में कर सकते हो, अदरवाइज आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो ये मेथड जो मैंने फॉर्मूला बताया ये तो आपने 10th में भी यूज किए हैं, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबली एंगल मेरे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे सेकंड पार्ट में हो गया, साइन क्या आ गया 120 आ गया, इसको हटा सकता हूं, ठीक है, आंसर सेम आएगा चाहे कोई भी मेथड आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाला देखो क्या बोलता है भाई, सेकंड वाले ने बोला कि साइन 120 माइनस आइटा कॉस 120, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, अब देखो 120 को करने के दो तरीके हैं, कुछ ये भी बोल सकते हैं, देखो इस 120 को मैं लिखता हूं 90 प्लस 30 भी क्या होगा 120, और मैं इसको लिखता हूं 180 माइनस 30 ये भी, ओ सॉरी 60 ये भी मेरा क्या होता है 120, तो इस एंगल को मैं दो टाइप से कर सकता हूं, ठीक है, दोनों चीजें हमने पढ़ी, 90 प्लस थीटा भी सेकंड में होता है, 180 माइनस थीटा भी मेरा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड में ही होता है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मैं ये वाला यूज करूं कि ये वाला यूज करूं, ठीक है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे, देखो मेरी जो पोलर फॉर्म है वो देखो ये है कि आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, ये मेरी है पोलर फॉर्म भाई, यानी यहां मुझे साइन की जगह चाहिए कॉस, साइन की जगह कॉस कब आ सकता है भाई, मुझे पता है कि साइन
अगर मैं 90 प्लस थीटा कर दूं, ठीक है, तो 90 क्या बोलते हैं, 90 प्लस थीटा, पहले देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, स्कूल से साइन, साइन मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, एक चीज तो कंफर्म हो गई। दूसरी चीज 90 क्या बोलते हैं, अभी इसके आगे देखो क्या सीओ नहीं है तो लगा दो, तो क्या हो जाएगा कोसाइन, कोसाइन को हम लिखते हैं शॉर्ट में कॉस, और थीटा मेरा एज इट इज, यानी अगर साइन को कॉस में चेंज करना है तो मुझे 90 चाहिए ही चाहिए, 90 270 चाहिए ही चाहिए अगर मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है तो, क्योंकि 180 क्या है, शरीफ आदमी है, ये तो कुछ करेगा नहीं, ये एज इट इज साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे साइन को कॉस में लेके आना है, इसका मतलब मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, मुझे यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं ये यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप अगर यूज भी करोगे तो फिर से आपको आप यहां पहुंच जाओगे, और यहां से फिर से आपको ये तीन स्टेप और करने पड़ेंगे, ठीक है, तो बेटर है कि मैं डायरेक्टली ऊपर वाला ही यूज कर लूं, ठीक है। तो इस साइन को क्या करूं, साइन एज इट इज रखता हूं, 120 को 90 प्लस 30 लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा मेरा एज इट इज, इस कॉस को भी मैंने क्या लिख दिया 90 प्लस 30 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है, ठीक है। साइन 90 क्या बोलता है भाई, पहले तो 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होगा आफ्टर स्कूल, पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव है, 90 बोलता है किसके आगे सीओ लगा दो, दिस बिकम कॉस, एंगल थीटा 30 डिग्री एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा एज इट इज, कॉस क्या बोलता है, कॉस 90 प्लस थीटा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा पॉजिटिव होता है, जी नहीं, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल, स्कूल से साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में क्या था, आफ्टर स्कूल टू, टू से टी लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। कॉलेज का सी लेते हैं यानी कॉस और सीकेंट, लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो हम बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा, 90 मतलब ये मेरा 90 है और इसके आगे चले गए यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं दिख रहा, कॉस नहीं दिख रहा मतलब क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का, ठीक है, कॉस नेगेटिव आ गया। अब 90 क्या बोलता है, इसका सीओ हटा दे तो क्या बचेगा साइन और थीटा एज इट इज, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो दिस बिकम कॉस 30 डिग्री प्लस आइटा साइन 30 डिग्री, आई थिंक यही आपका आंसर है, ठीक है। करना चाहो तो 30 का मुझे पता है क्या पाई बाई 6 होता है, रेडियन में लिखना चाहो रेडियन में लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ हम गड़बड़ क्या क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, जब हम ऐसे सोल्व करते हैं ना तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एंगल हमेशा सेम होने चाहिए विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी यहां 30 है तो यहां भी 30 ही होना चाहिए, माइनस 30 नहीं चलेगा, दोनों एंगल मेरे क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। हम लोग कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये भी 30 आ रहा है ये माइनस 30 आ रहा है चल जाएगा, ठीक है, 30 30 दिख रहा है, एक गड़बड़ ये नहीं करनी। दूसरी चीज एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए, दूसरी चीज क्या गड़बड़ कर देते हैं हम, मोस्ट प्रोबली जो है अगर यहाँ माइनस का साइन भी आ रहा है तो भी हम बोल देते हैं पोलर फॉर्म आ गई, मेरी पोलर फॉर्म होती है भाई ये आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ठीक है ना, हमेशा साइन किसका आएगा प्लस का, दोनों में किसी में भी नेगेटिव साइन है इट मीन्स आपने गलत कर रखा है, वो पोलर फॉर्म नहीं आई अभी तक, इसका मतलब आपको अभी भी काम करना बाकी है वहां पे, आई बस समझ में, बाई चांस ये अगर प्लस होता मेरा, ठीक है, तो ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, ये फाइनली आंसर माइनस आ जाता मेरा, ठीक है, माइनस आ जाता, क्या पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म नहीं है भाई, ये माइनस का साइन है, इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटा सकते हैं, अभी अभी आपको सिर्फ यही मेथड है, यानी मैं इसको क्या कहूँ कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूंगा और वहीं से मैं इसको वापस से चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आई बस में। तो आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, अगर आपको सीधा इस फॉर्मूले से करवाना है तो ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इसने ये माइनस दे दिया, ये माइनस था, ये भी माइनस था, फाइनली मेरा आंसर जाके प्लस हो गया, तो अपने आप आ गए पोलर फॉर्म, उसको 2 मार्क्स क्वेश्चन चाहिए था उसने करवा लिया, ठीक है, उसको 4 मार्क्स चाहिए तो फिर वो पूरा भी प्रोसेस करवा सकता है, ठीक है, वो आपको कोई भी फॉर्मूला लगा लो नहीं होने देगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आप नहीं कर पाओगे उसको, नहीं कर पाओगे इसका मतलब आपको फिर उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया आपको, फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो फिर उसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, ठीक है, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में चेंज करो पहले, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, कॉस 30 इज रूट 3/2 एंड दिस बिकम, मान लो माइनस होता है ये तो ये माइनस आइटा 1/2 हो जाता, ठीक है। अब आपके पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म के इक्वल रखो और इसको जो मेथड है पूरा फॉलो करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है, दो हो गए आसान थे, चलते हैं थर्ड में।
थर्ड पार्ट देखो भाई, अब यहां पे गड़बड़ होगी क्या कि cos 300 है और आइटा sin 30 डिग्री है, ठीक है। इसको भी दोनों मेथड से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये 5/2 एज इट इज रहेगा मेरा, ठीक है। इस cos 300 का क्या करूं, पहले तो ऐसा एंगल लिया हो जिसकी वैल्यू मुझे बताओ भाई, ठीक है, कुछ छोटा मोटा कर दे, ठीक है। जैसे sin 30 मुझे पता है क्या होता है, cos 300 नहीं पता, बड़ा एंगल ज्यादा दिख रहा है, छोटा करते हैं इसको। कैसे करते हैं वो हमने सीखा हुआ है कि cos एज इट इज रखता हूं मैं, 300 को क्या मैं 360 - 60 लिख सकता हूं, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने क्या किया, cos 300 था, 300 को मैंने 360 - 60 लिख दिया, 360 - 60 भी तो 300 ही होता है, ठीक है, सेम है, कुछ अलग चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ये 5/2 एज इट इज रहेगा, इसको अगर मैं चेंज करूं तो मुझे पता होना 360 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, हमने सीखा था 0, 90, 180, 270, और हम वापस यहां जाते हैं तो आता है 360। अब 360 में कुछ प्लस कर दूं तो कहां पहुंच जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन मैंने तो 360 से कुछ माइनस किया, यानी दिस बिकम 360 - थीटा, मैंने 360 में से कुछ कम कर दिया, तो 360 में से जब मैंने कुछ कम किया तो वो कहां पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का सी लेंगे, सी से कॉस, कॉस मेरा क्या होता है पॉजिटिव, यानी साइन तो रहेगा पॉजिटिव, और 180 और 360 क्या बोलते हैं, कोई चेंज नहीं भाई, जैसे हो वैसे रहो, यानी कॉस है तो मेरा कॉस ही रहेगा, 60 डिग्री आपका एज इट इज प्लस आइटा साइन 30 डिग्री। कुछ लोग बोले आ गई फॉलो फॉर्म, कहाँ गई भाई, ये कॉस 60 है यहाँ साइन 30 है, मुझे एंगल भी दोनों सेम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दोनों एंगल सेम चाहिए, तो अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या आपके पास कोई मेथड है कि इन दोनों एंगल्स को सेम कर सकूं। अगर मैं इसको 90 - 30 कर दूं तो ये साइन हो जाएगा, ये भी साइन है, ये भी साइन है, बात मनी नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये सेम हो जाए, ठीक है। सोचो क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। 5/2 को एज इट इज रखते हैं। कॉस 60 क्या होता है, cos 60 मेरा होता है 1/2, किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लस आयोटा sin 30 क्या होता है, दिस इज अगेन 1/2, ठीक है। cos 60 भी 1/2 होता है, sin 30 भी 1/2 होता है, ठीक है। अब यहां से इसको करने के दो मेथड है, फर्स्ट वन, इस 5/2 को अंदर ले जाओ भाई, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से आप चेंज कर सकते हो इसको पोलर फॉर्म में, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। क्या करना है, 5/2 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 5/4 प्लस आइटा 5/4, ये आपके पास क्या बन गया, कार्टेशियन फॉर्म बन गई। इसको आई थिंक पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, ठीक है भाई, ये इसके इक्वल रख देंगे, ये इसके इक्वल रख देंगे, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, आर की वैल्यू मिल जाएगी, 5/2√2 आएगी शायद इसकी वैल्यू, देन हम निकालेंगे थीटा, थीटा आएगा आपका 5/4 यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो इससे आप पोलर फॉर्म आई थिंक कर सकते हो, ये कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, आप अपने आप किसी इसको, ठीक है, क्योंकि ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। मैं इसको करवाता हूँ दूसरा मेथड इसको करने का, छोटा, ठीक है, जरूरी नहीं है आप जिससे दिल करे उससे करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग वाला करो या ये वाला करो, ठीक है। वो मेथड क्या है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, इस मेथड की अच्छी चीज क्या है, ये आप कहीं भी फंस गए तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। तो जहां भी आप फंस जाओ सिंपल सा कर्म काम करो कि दोनों की जो एंगल्स की वैल्यू को पुट करो और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कहीं भी फंस गए तो ऐसे चेंज करो और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले क्या है, जैसे अभी मैं जो आपको चीज करवाने वाला हूं वो आपने या तो पहले किया हो, ठीक है, या फिर उस टाइम पे उस मोमेंट पे अगर आपके माइंड में वो फॉर्मूला आ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है यहाँ पे, तो आप कर पाओगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो मैं इस 5/2 को एज इट इज रखता हूं, इस 1/2 को मैं लिख देता हूं √2 × √2 ही होता है, ठीक है, प्लस आइटा 1/2 को मैं फिर से लिखता हूं √2 × √2, ये हो गया क्लोज। अब मैं क्या करता हूं, 5/2 एज इट इज रखता हूं, √2 को बाहर निकाल लेता हूं, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, देखो एक √2 मैंने बाहर निकाला है, तो ये बचेगा 1/√2 प्लस आइटा 1/√2, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं है। 5/2√2 तो एज इट इज रहेगा मेरा, इनटू 1/√2 cos थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए,
ये 1/√2 होता है, मुझे पता है कॉस 45 डिग्री के लिए क्या होता है √1/2 प्लस आयोटा, और साइन 45 भी क्या होता है भाई 1/√2 ही होता है। ये वैल्यू हमें पता है, कॉस 45 साइन 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं। मैंने यहाँ क्यों क्यों लिया, क्योंकि मेरी पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। आप चाहते हो तो आर बाहर भी निकाल सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आर मेरा बाहर है, दिस इज कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आप इस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया, जैसे हमने क्वेश्चन पता था तो हमने कर लिया। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन में जब भी फंसो तो सिंपल सा मेथड है, दोनों की वैल्यू पुट करो, इसको क्या कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो गया, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, ये मेथड हमें आता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है, अगेन आपको बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, मुझे क्या करना है इनको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, सिंपल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यूज देखो आपको पता है, कॉस 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं करवाता हूँ डायरेक्टली आपको, सेकंड फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। जस्ट आपको क्या करना है, सिंपल से मैं बता देता हूँ एक बार, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, दिस बिकम 0 इनटू 2 एज इट इज। ठीक है, 4 यहां पे, 4 इनटू कॉस 90, अगेन दिस इज 0 प्लस साइन 90 इज 1, दिस इज आयटा। ठीक है, 1 प्लस 0 इज 1, 4 2 जा ये हो जाएगा 8, 1 एज इट इज, 0 प्लस आयटा इज आयटा, ये क्या बचा आयटा, 8 आयटा, यानी मेरा नंबर क्या आ गया, 8 आयटा आ गया। तो जस्ट मैंने क्या किया, सबकी वैल्यूज पुट कर दी और ये निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे R निकालना है, R का मतलब है मोड ऑफ Z, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या, मैं इसी नंबर को 0 प्लस 8 आयटा भी लिख सकता हूं, यानी मेरा रियल पार्ट क्या है यहां पे 0 है, तो मोड ऑफ Z क्या होगा, रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, और 0 का 0 होता है 0 प्लस 64 ऑल्सो, तो अगेन दिस इज 64 का रूट, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 8। ठीक है, अब चाहो तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेके वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली निकालना चाहो डायरेक्टली निकाल सकते हो, मोड के आपके पास दोनों मेथड है। ठीक है, 8 निकल गया, देन मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि लेट 0 प्लस 8 आयटा को मैं किसके इक्वल ले लूंगा, आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा, आपके पास आर की वैल्यू है। ठीक है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू क्या है 8, तो दिस इज 8 cos theta is equal to 0, यानी 8 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यानी cos theta मेरा क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब r sin theta यानी इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, दिस इज 8, r की वैल्यू क्या है 8, 8 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या आ गया sin theta is equal to 1। अब cos theta 0 sin theta 1 कहां होता है, ठीक है मुझे पता है at theta is equal to 90 डिग्री, और 90 को मैं बोलता हूं रेडियन में पाई बाय 2। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हाफ करोगे तो 90 बन जाएगा, दिस इज पाई बाय 2। ठीक है, तो आपके पास थीटा है, आपके पास आर है, आई थिंक आप पोलर फॉर्म लिख सकते हो, क्या थी आर, यानी यहां आ जाएगा 8 और थीटा इज पाई बाय 2, इज अगेन 8 एंड दिस इज पाई बाय 2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, बहुत आसान था इसलिए मैंने जल्दी करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 4 2 8, इनकी तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली। ठीक है भाई, बाकी क्या बचा, देखो मेरे पास है cos 120 प्लस आयटा साइन, सॉरी नॉट 120, दिस इज 210, ठीक है 210, तो अब मेरे पास क्या है cos 210 डिग्री। ठीक है, इसके लिए क्या करें, अब मुझे फिर से फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 210 को मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, cos 180 प्लस 30 मेरा क्या होता है 210 ही होता है, 180 में 30 ऐड कर दो 210 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आयोटा साइन, इसको भी मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, और ये मेरी ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट लिख दो। ठीक है, 4 2 8 में पहले कर चुका हूं, मैंने cos 210 को 180 प्लस 30 लिख दिया, साइन 210 को साइन 180 प्लस 30 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट बचता है 4 cos 120 प्लस आयटा साइन 120, तो सेम एज इट इज, 4 तो मैं ले आया यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इस cos को मैं क्या लिख सकता हूं 120 को आप 180 माइनस 60 लिख दो, साइन 90 प्लस 30 लिख दो, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जनरली आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जहां मौका मिल रहा हो 180 वाला ही लगाओ, चाहे 180 प्लस थीटा करना हो या माइनस थीटा करना हो, क्योंकि 180 नो चेंज, सिर्फ साइन देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, बाकी आपका एज इट इज रहता है,
तो हमेशा प्रेफरेंस किसको दो, 180 को दो, ठीक है। बाकी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है 90-180 का, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट गलती होने के चांसेस 180 में कम रहते हैं, ठीक है। तो 120 को मैं लिख सकता हूं 180-60, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लस आयोटा साइन दिस 180-60, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, 8 एट इज कॉस 180 प्लस 30, आयटा साइन 180 प्लस 30, दिस इज कॉस 180 माइनस 60 और दिस इज 180 माइनस 60 एट इज, सबको कर दिया चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस 8 को तो मैं एट इज रखता हूं, कॉस 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है पहले तो मुझे ये पता लगना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे, ये 0 90 180 यहां होता है, तो 180 में कुछ ऐड कर रहे हो आप, 180 में कुछ ऐड कर रहे हो, ये 180 ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, पहुंच जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू टी से टेंजेंट और टेंजेंट का उल्टा कॉट, ये दो चीजें हैं जो क्या होती है मेरी पॉजिटिव होती है। तो क्या कॉस मेरा यहां पॉजिटिव होगा, नहीं, क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव हो गया। 180 बोलता है नो चेंज, यानी कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये साइन नहीं लगाना होता कि 180 प्लस, ये प्लस साइन ही बोलता है आप कहां पहुंचे, ठीक है, किसमें ऐड कर रहे हो और कहां पहुंच गए, ठीक है। एज इट इज, अब यहां पे फिर से टेंजेंट कॉट पॉजिटिव है तो साइन भी क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस आयोटा 180 नो चेंज, यानी साइन का साइन रहेगा और 30 डिग्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, कॉस 180 माइनस 60 क्या होगा भाई, 180 माइनस, ये 180 है, माइनस कर रहे हो मतलब वापस पीछे आ गए आप, यानी कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल, स्कूल का साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉस यहां भी क्या होगा, नेगेटिव, तो पहले साइन आएगा नेगेटिव। 180 बोलता है नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, 60 एज इट इज, ठीक है भाई। प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वार्ट में साइन पॉजिटिव, साइन प्लस ही आएगा, आयोटा मेरा एज इट इज, और 180 बोलता है साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, तो यहां साइन है तो साइन साइन ही रहेगा, और एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब 8 ये आ गया मेरा, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो हम कर सकते हैं कि हम, मैं इनकी क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, सबकी मल्टीप्लाई कर दूं, तो वहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वहां आपको कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो बेटर क्या है कि जो हमने किया है उसी पे कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, इन सबकी वैल्यूज ही पुट कर देता हूं, वैल्यू पुट कर दो सबकी, क्या होगा देखो, 8 माइनस साइन एज इट इज, कॉस 30 होता है मेरा रूट 3 बाय 2, माइनस साइन एज इट इज साइन, साइन 30 होता है 1 बाय 2, ठीक है भाई। अगेन आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन एज इट इज, कॉस 60, कॉस 60 होता है भाई 1 बाय 2, प्लस आयोटा साइन 60 होता है रूट 3 बाय 2, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहो तो यहां और यहां दोनों साइड एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कर देखो, 8 ये एलसीएम लोगे तो दोनों का सेम ही है, मतलब 2 आएगा तो ऊपर हो जाएगा रूट 3 माइनस का, और माइनस का ही आयोटा के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर से मेरा एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो फिर से माइनस 1 प्लस का आयोटा रूट 3 हो जाएगा, ब्रैकेट फिर से क्लोज। अभी सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो काट सकता हूं मैं इसको, 2 4 8, 2 2 4, तो ये 2 मेरा एज इट इज, अंदर मेरे पास बचेगा माइनस रूट 3 माइनस का आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और अंदर है माइनस का 1 प्लस का आयोटा रूट 3, ठीक है भाई। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो और एक कॉमन नंबर बना लो, ठीक है, ये 2 बाहर रहेगा एज इट इज, माइनस का रूट 3 है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस का रूट 3 हो जाएगा, माइनस का रूट 3 है और इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस, माइनस प्लस पहले तो आएगा माइनस भाई, आयटा मेरा एज इट इज रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, ठीक है, माइनस का आयटा प्लस का 1, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड आयटा इंटू 1 इज आयटा, माइनस आयटा प्लस आयटा रूट 3, तो प्लस माइनस पहले तो आएगा माइनस, आयटा इंटू आयटा इज आयटा स्क्वायर और रूट 3 एज इट इज, ठीक है भाई। अब ये आयटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो दिस बिकम प्लस। अब 2 को बाहर रखता हूं मैं एक बार, और अब देखो
ये मेरे पास और ये रियल पार्ट है, तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री, दिस बिकम टू रूट थ्री, ठीक है भाई। ये क्या है, माइनस आइटा थ्री और प्लस आइटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री प्लस का वन, दिस इज माइनस टू आइटा, ठीक है। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। देखो मैं इस टू को अंदर लेके जा रहा हूं, दिस बिकम फोर रूट थ्री एंड माइनस फोर आइटा, ठीक है। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट बी दिस इज इक्वल टू जेड। मुझे इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट फोर रूट थ्री माइनस फोर आइटा इज इक्वल टू, आगे आई थिंक आसान है, आपको जो मेथड किए हुए हैं वही सारा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। तो मॉडल्स को आप कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे इन दोनों को अलग अलग लिख लो, पहले आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रियल पार्ट दिस इज इक्वल टू फोर रूट थ्री, एंड आर साइन थीटा इसके इक्वल होता है मेरा इमेजिनरी पार्ट मीन्स माइनस का फोर, साइन मत भूल जाना भाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू। वन और टू को क्या करूंगा, मैं स्क्वायर करूंगा और ऐड करूंगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, लिख देना आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन एंड टू। इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका करोगे क्या हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। इसका स्क्वायर करोगे फोर रूट थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर होता है 16, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, 16 इंटू थ्री 48, प्लस फोर का स्क्वायर 60, ठीक है। सबको ऐड कर दो। अब देखो आर स्क्वायर में कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है वन। तो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करो क्या मिलेगा भाई, 50, 60, 64, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, रूट ऑफ 64 इज 8, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। आर मेरा 8 है, वैल्यू पुट कर दो दोनों में, ठीक है। यहां पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू फोर रूट थ्री, 8 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 4 2 8, दिस इज रूट थ्री बाय टू। एज इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 8 साइन थीटा, आर की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 4, ये उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 8, दिस बिकम माइनस 1/2, ठीक है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए, आई थिंक ये रब कर सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए कॉस थीटा साइन थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, प्लस रियल नंबर मेरा क्या है, प्लस है, और इमेजिनरी क्या है, नेगेटिव। प्लस माइनस कहां होता है, एक्स प्लस और वाई नेगेटिव कहां होता है, ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो यहां पे दोनों प्लस ही होते हैं, ये हमें पता है, यहां पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहां पे क्या हो जाता है मेरा, एक्स तो मेरा पॉजिटिव रहेगा और वाई मेरा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। यानी प्लस माइनस कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालना सीखा था हमने, ठीक है। सबसे पहले हम काम करते हैं कि लेट अल्फा बी ए एनी पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव एंगल, मैंने क्या कर लिया, अल्फा एक मिनिमम पॉजिटिव एंगल मान लिया, ठीक है। तो सच दैट, कैसे, सच दैट कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू एंड साइन अल्फा, ये तरीका भी मैंने बताया था कैसे करते हैं, दिस इज 1/2। मुझे क्या करना है, एक अल्फा ऐसा पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव एंगल लेना है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव, मुझे अल्फा एक मिनिमम पॉजिटिव एंगल लेना है, कैसे, कि अगर मैं ये कॉस अल्फा साइन अल्फा निकालूं तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। ये अल्फा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू पता लग गई, अब मुझे पता है कॉस अल्फा रूट थ्री बाय टू और साइन अल्फा 1/2 कहां होता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा क्या होता है मेरा 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि थीटा कैसे निकालूं मैं, इज इक्वल टू माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, यानी जो थीटा अल्फा की वैल्यू आती है वही आती है, मान लो फर्स्ट में होता 30 मेरा डायरेक्टली आंसर होता। सेकंड में मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, यानी 180 माइनस जो अल्फा की वैल्यू है। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा मेरा क्या होगा, अल्फा माइनस 180 और अल्फा माइनस पाई, ठीक है, एक ही बात है, पाई और 180। और लास्ट में क्या होगा, नेगेटिव एंगल। इट मींस योर अल्फा इज 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, और वी कैन से माइनस पाई बाय 6 इन रेडियन, ठीक है। आपके पास थीटा है, आपके पास आर है, क्या आप इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर क्या है, 8, तो दिस इज 8 कॉस माइनस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 6। ये एंगल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या, एंगल तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन बाहर नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
ठीक है, दोनों पाई माइनस पाई बाय सिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट वे से करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर हमें सारे पता हो ना, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। बट अभी हमें उतने फॉर्मूले पता नहीं है, ठीक है। और मैं अगर आपको बताने भी बैठ गया, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे ना, दो तीन फॉर्मूले लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली जो हमने चीज़ें सीखी है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हम थर्ड चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, फिर यही क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके करवाऊंगा सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। देखो ये मुझे टर्म्स गिवन है और मुझे इसको क्या करना है, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला मेथड कि आप इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है, फिर रेशनलाइज करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या दूसरा मेथड मैं क्या करता हूँ, पहले इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ वो देखो, कि मुझे दिख रहा है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई अगर मैं कर दूँ तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस बिकम वन, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरा ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मुझे बेटर भी यही लग रहा है कि मैं ऐसे ही कर लूँ, तो कर लेते हैं भाई। क्या करूँ मैं, इसको रेशनलाइज करेंगे तो मैं कॉस 45 और माइनस आइटा साइन 45 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, और कॉस 45 माइनस आइटा साइन 45 से ही मैं कर दूंगा इसको डिवाइड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस 90 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3 जा 9 हो जाएगा, ये तो आ गया 3 इंटू कॉस 90 होता है 0 प्लस आइटा साइन 90 होता है 1 पैकेट क्लोज इंटू कॉस 45 दिस इज 1 बाय रूट 2 माइनस आइटा साइन 45 अगेन दिस इज 1 बाय रूट 2 पैकेट क्लोज डिवाइड बाय दिस बिकम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यानी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 45 माइनस बी स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। अब मुझे पता है आइटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसको हटा दें, ठीक है, दिस बिकम 1। अब यहां पे बचा 0, आइटा इंटू 1 इज आइटा, आइटा प्लस 0 इज अगेन दिस इज आइटा, ठीक है। इस आइटा की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3 को मैं इधर चीज रखता हूं, आइटा की मल्टीप्लाई इससे करोगे दिस बिकम 1 बाय रूट 2 आइटा, आइटा की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस आइट इज आइटा इंटू आइटा इज आइटा स्क्वायर एंड 1 बाय रूट 2। आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, दिस बिकम प्लस का 1। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, 3 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आइटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कर सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। अब देखो, या तो मैं इस 3 को अंदर ले आऊं, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी, और फिर मैं इससे क्या कर लूं, चेंज कर लूं, या फिर आसान सा मेथड देखो, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 दोनों कहां लाई कर रहे हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। क्या कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज मुझे कहीं मिल सकती है जहां पे ये 1 बाय रूट 2 हो, मुझे पता है कि कॉस 45 एंड साइन 45 दोनों ही क्या होते हैं, 1 बाय रूट 2 होते हैं। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, 3 इंटू कॉस 45 प्लस आयोटा साइन 45, यस और नो, दैट्स योर पोलर फॉर्म, आसान सा था, ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, पोलर फॉर्म बन गई, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा सा, अगर डायरेक्टली वैल्यू मिलती है डायरेक्टली पुट कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको लॉन्ग मेथड जाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, तो ज्यादा ही लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आपने 3 कर लिया 4 कर लिया, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th पे, ठीक है, छोटा सा है, आसान क्वेश्चन है। 5th का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, दिस इज 2 cos 0 प्लस आइटा साइन 0। अब मुझे क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करना है मुझे इसको, ठीक है, क्या करना है, जेड प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करें, देखो सिंपल सा है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो भाई, 2 एज इट इज रहेगा, कॉस 0 होता है 1 प्लस आइटा साइन 0 होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है, यानी 1 प्लस 0 इज 1, तो दिस इज 2 इंटू 1 मीन्स 2, ठीक है, यानी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, 2 प्लस 0 आयोटा, दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म, सिंपल सा था, आसान, ठीक है। सेकेंड पार्ट और देख लो इसका, मुझे कि मैंने 5 कॉस 270 प्लस आइटा साइन 120 साइन सॉरी दिस इज 270, इसको मुझे फिर से क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में ही चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5 मेरा एज इट इज, अब कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है भाई,
अब मुझे पता होना चाहिए कॉस 270 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये चीजें हम थर्ड में भी करेंगे। कॉस जीरो मेरा क्या होता है, ये होता है वन, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है, ये होता है जीरो। कॉस 180 क्या होता है, वन से जीरो आए, जीरो से वापस हम कहां चले जाते हैं, वन पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉस 180 क्या होगा मेरा, माइनस वन होगा ना कि वन। क्या होगा, माइनस वन। क्यों होगा भाई, मुझे पता है 180 यानी देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकल गया, तो यहां पे जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होता है। तो 180 कहां आ रहा है, थर्ड में, इट मींस दिस इज माइनस वन। अगेन जब आप कॉस 90 डिग्री और बढ़ा दोगे यानी 270 पे पहुंचोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। यानी 1010 चलेगा, पर साइन ध्यान रखना है, जीरो का तो कोई मैटर नहीं करता, जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो साइन क्या होगा, डायरेक्टली जीरो देन 90 फिर 180, यानी हर 90 डिग्री के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कॉस 270 में क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो प्लस आइटा एडिटिंग साइन 270। साइन 270 क्या होगा, ठीक है। अब मुझे पता है 270 यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, वाई एक्सिस नेगेटिव में, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और क्या होगा, देखो साइन जीरो होता है जीरो, साइन 90 होता है वन, साइन 180 हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो साइन 270 क्या होगा, क्या रिपीट होने वाला है, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से अगेन, दिस इज माइनस वन नॉट वन, ये ध्यान रखना। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो 270 क्या आएगा, माइनस का वन, दिस इज माइनस वन। जीरो में कुछ भी ऐड कर दो एज इट इज नंबर, तो दिस इज माइनस आइटा, तो फाइव माइनस फाइव आइटा, ठीक है। और लिखेंगे तो जीरो माइनस फाइव आइटा, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में भाई, सिंपल है, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं पता लग रहा कि किसकी वैल्यू क्या होती है, देखो डायरेक्टली आप जैसे हम करेंगे ना क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड, तो डायरेक्टली आपको पता लगने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस वन के बीच में वेरी करती है, ठीक है ना, माइनस वन से कम होगी ना प्लस वन से ज्यादा होगी, यानी कि बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, आपका कॉस थीटा यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर यहां जाएगा, मतलब यहां पे जीरो डिग्री पे वन था, 90 डिग्री पे जीरो हो गया, ठीक है। फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। 90 देन 180 पे मेरा क्या हो गया, ये नीचे आ गया यानी नेगेटिव माइनस वन हो गया। फिर वापस से 270 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 360 पे वापस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, जितने भी एंगल होंगे। एज इट इज साइन का ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। मीन्स जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, तो जीरो देन प्लस वन देन अगेन जीरो देन माइनस वन देन जीरो देन प्लस वन, ऐसे ही चलता जाएगा जितना भी आप करोगे, ठीक है, वैसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। या फिर नहीं आ रहा तो ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो इसको कॉस 270 प्लस जीरो लिख लेना, ठीक है। कॉस 270 प्लस जीरो लिखोगे, अब पता है 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा। अब कॉस 270 क्या बोलता है, कॉस को चेंज कर दो साइन में, तो ये हो जाएगा साइन और जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। देखो मेरी वैल्यू जीरो ही थी यहाँ पे, ठीक है। एज इट इज अगर साइन 270 की वैल्यू चेक करनी है, साइन 270 को लिख दो 270 प्लस थीटा। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव। 270 बोलते हैं साइन को कर दो कॉस, और कॉस ये थीटा क्या था मेरा, जीरो डिग्री। कॉस जीरो डिग्री क्या होता है, वन, दिस इज माइनस वन। आई थिंक आपकी वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक है। ऐसे याद ना रहे तो ये बेस्ट मेथड है, ऐसे कर लो, ठीक है। आप इसको 180 प्लस 90 करके भी कर सकते हो, 360 माइनस 90 भी करके भी कर सकते हो, या 270 प्लस 0 करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सारे मेथड्स हैं, जैसे आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है।